हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। तो पहले हम थोड़ा सा ऑरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो आज इस रीडिंग में मैं पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, ठीक है? फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। अगर आपकी एनर्जी मैच करती है, ठीक है जी, तो आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम होगी। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने कैंडल की फ्लेम को देखना है। ओके, तो आपने इस फ्लेम को देखना है और अपने पर्सन का नाम लेना है अपने नाम के साथ। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आपकी एनर्जी इस समय क्या है, फिर हम आपके पर्सन की देखेंगे। रीडिंग जर्नल है, ओके? तो आपने ओपन माइंडेड होकर देखना है, सीधा पर आपने ध्यान नहीं करना है। ओके, एनर्जीज आपके साथ मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को आपने एंड तक देखना है, रीडिंग पसंद आती है तो उसको आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। तो देखिए इस फ्लेम की ओर और सोचिए अपने पर्सन के बारे में। तो देखते हैं कि आपकी फीलिंग इस समय क्या चल रही है और आपके पर्सन की फीलिंग इस समय क्या चल रही है, ठीक है? थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए, सोचिए उनके बारे में। मेडिटेशन करते हैं तो आपने क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है, इनहेल एक्सहेल करना है 3 बार। इनहेल कीजिए, 7 सेकंड के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लीजिए, देन फिर उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है? अब आपने उन पलों के बारे में सोचना है जब आप दोनों साथ में थे। रिवाइंड करिए अपनी जो सारी आपकी स्टोरी है, उसको रिवाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए, पीछे की तरफ देखिए, जाइए पीछे की तरफ, जब आप दोनों मिले थे तो कैसे आप दोनों के बीच बात हुई थी, कैसे प्यार बढ़ा था, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। फील कीजिए उनकी एनर्जी को, फील कीजिए अपने पर्सन को। सोचिए उनके बारे में। बहुत प्यार आप दोनों के बीच मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत प्यार, हँसते हुए मुस्कुराते हुए आप दोनों एक साथ। जो कैंडल की फ्लेम है, दोनों कैंडल की फ्लेम देखो एकदम स्थिर है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। बहुत प्यार था आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा। रहते नहीं थे एक दूसरे के बिना। रिकॉल कीजिए, हाथों में हाथ लेके उनके साथ घंटों बैठना, इकट्ठे ऑफिस से निकलना, बातें करते करते सफ़र का तय हो जाना, घर का आ जाना, बाय बोलना, घर के अंदर जाते ही मैसेज करना, रात का टाइम,
सोने से पहले गुड नाइट बोलना। गुड नाइट भी इतना लंबा हो जाता था, इतनी लंबी चैटिंग। फ्यूचर प्लान करना, सब उन चीज़ों के बारे में सोचिए। फील कीजिए अपने पर्सन की एनर्जी को। बहुत प्यार, बहुत केयरिंग, फील कीजिए उनके टच को। देखिए अपने आप को, आप कितना खुश हो। अब वो टाइम आया है जब आपके बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुई। धीरे धीरे बात कम हो गई, मैसेज करना लेकिन रिप्लाई का ना आना, आंखों में आंसू, दोनों के हाथ छूटते जा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हो। फील कीजिए इस पेन को, अलग होते जा रहे हो, दूर, एकदम दूर जा रहे हो एक दूसरे से। हाथ अलग हो गए हैं, एक दूसरे के हाथों से हाथ छूट गया है। फील कीजिए इसको। अपने पर्सन को जाते हुए देखिए, जब वो आपकी लाइफ से गए थे। अपने आप को देखिए, कितने उदास हो आप अभी। अभी पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी इस समय की, फिर हम बात करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की। अगर आपकी फीलिंग मैच कर जाती है तो जब मैं आपके पर्सन की फीलिंग की बात करूंगी तो वो सेम होगी, वो राइट मैसेज होगा आपके लिए। क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ ना मैं आपके पर्सन को जानती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी स्केच कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर बिल्कुल फीलिंग्स आपकी इस समय की, आपकी फीलिंग्स मेरी रीडिंग में आपके साथ मैच कर जाती हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो मैं आपके पर्सन के बारे में बताऊंगी वो उनकी उस समय की फीलिंग होगी, ठीक है। कैंडल थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा इसका आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखते हैं आपकी फीलिंग क्या निकल कर आती है। बहुत डेस्परेट हो अपने पर्सन से मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा। लेटर वी, लेटर सी, लेटर एल बना है। बहुत बेचैनी, बेकरारी है आपके मन में अभी इस समय। बहुत पेन में हो आप लोग। प्यार के बिना आप जी नहीं सकते हो। दिल में बहुत प्यार है अपने पर्सन को लेके। हर वक्त आपको अपने पर्सन का प्यार याद आता है, उनकी याद आती है, बहुत याद आती है। बहुत प्यार करते हो आप अपने पर्सन से।
हर वक्त आपकी आंखें उनको ढूंढती हैं, तड़पते हो आप उनको देखने के लिए, बात करने के लिए। आप इनके साथ जीना चाहते हो, मरना चाहते हो, उनकी ही बाहों में अपनी जान देना चाहते हो। बहुत प्यार मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत अकेलापन, तन्हाई मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, बच्चे देखते हो, बहुत से सपने संजोए थे आपने। आप अपने पर्सन को किसी देवता या देवी से कम नहीं समझते हो। आपने कोशिश की, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि आपने बहुत कोशिश की जब आप दोनों अलग हुए कि मैं किसी और के साथ चली जाती हूँ या किसी और को अपने जीवन में आने देता हूँ, आप नहीं कर पाए। अगर आपकी लाइफ में कोई इस समय आता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आपको सेपरेशन का टाइम जो है वो इस समय आपका चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों को अलग हुए, आपके लाइफ में बहुत से लोग अभी इस समय आए हैं लेकिन आप उनके साथ खुश नहीं हो। आपके साथ अगर कोई बात करता है तो आप चिढ़ जाते हो। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, चाहे वो आपको हर्ट कर रहे हैं, इस समय पेन दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, उनको चेस करते हो, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट से आप उनको फॉलो करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का तो आपने गला ही घोंट दिया है इस समय, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। आप उनकी हर समय वेट करते हो, इंतज़ार करते हो, आपको उम्मीद है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आप उनके कॉल मैसेज की वेट करते रहते हो। बहुत बेसब्री से आप अपने पर्सन की वेट कर रहे हो। कई बार आपको लगता है कि आपके पर्सन वापस नहीं आएंगे, बट फिर आप उनकी वेट करते हो और दिल और दिमाग दोनों के बीच इस समय बहुत लड़ाई चल रही है। बहुत उदास हो आप अपने पर्सन के बिना, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, टेक्निक्स करते हो, दुआओं में उनको मांगते हो, कोई भी रील आती है उसमें कुछ बताया जाता है तो वो आप उसको ट्राई करते हो। बहुत डेस्परेट हो आप अपने पर्सन को मिलने के लिए, उनके बिना जी नहीं पा रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको उनके बिना। आप काम पे जाते हो, लोगों के साथ बैठते हो, लेकिन आप अंदर से बहुत उदास हो। घर वालों के पास भी बैठते हो लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब दिन ऐसे ही निकल जाता है उनके इंतज़ार में। रोते हो आप रात को, बहुत रोते हो, बहुत याद करते हो। जब आप रास्ते से जाते हो तो आपकी आंखें उनको देखना ढूंढती हैं कि एक बार मैं उनको देख लूं, एक बार कहीं वो अचानक से मुझे मिल जाए। बहुत डेस्परेट हो अपने पर्सन को लेके, बहुत मिस करते हो आप। थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को यहाँ पे लग रही है आपके रिलेशन में। बहुत आप उनसे प्यार करते हो, हर एक सॉन्ग में ना, जैसे सैड सॉन्ग होता है, आपको ऐसे लगता है कि ये सॉन्ग आपके लिए ही बना है। बहुत मिस करते हो, उलझे रहते हो अपनी ओर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, 24 घंटे उनकी वेट करते हो, बार बार आप अपना मोबाइल चेक करते हो, कोई मैसेज आता है तो भाग कर देखते हो कि कहीं मेरे पर्सन का मैसेज तो नहीं आया है, बहुत वेट करते हो। चाहे उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, खुद से उन्होंने अप्रोच किया और खुद ही बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए,
इस समय आप बहुत अकेले हो, आप किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। आप चाहते हो अपनी दिल की बात दूसरों से शेयर करना, लेकिन आप नहीं शेयर कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। एक पुल सा है आप दोनों के बीच, जिसको उनको पार कर कर आना पड़ेगा। बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आपके पास आना पड़ेगा। ये सर्कल बना है, मे बी आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में आपके पर्सन पहले आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, बार बार ये साइकिल रिपीट होता था। फिर आप धीरे धीरे आपके पर्सन ने बिल्कुल ही आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, अचानक से चले गए बिना कुछ बताए, आपकी लाइफ से चले गए। बहुत परेशान हो आप इस समय अपने पर्सन को लेके, बहुत स्टक हो। आपको ऐसा लगता भी है कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर आप रुक जाते हो, स्टक हो इनके रिलेशन में, काफ़ी स्टक हो, आगे बढ़ना भी चाहते हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे 10 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं अपने पार्टनर से अलग हुए, लेकिन आज भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो। मतलब कि एक पैसा आपका प्यार कम नहीं हुआ है, बहुत प्यार करते हो। आज भी उनकी वेट करते हो, उनके लिए रातों को रोते हो, इंतज़ार करते हो। जैसे आप रात को चैट करते थे, आज भी आप वेट करते हो कि शायद कोई मैसेज आ जाए, शायद वो कुछ फ़ोन कर ले। बहुत प्यार करते हो आप अपने पर्सन से। अगर यहाँ तक आपकी सिचुएशन मैच करी है, तो अभी मैं आपके पर्सन की सिचुएशन देखने वाली हूँ कि इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। चाहे आपको काफ़ी टाइम हो गया है अलग हुए, तो हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हुई है, तो जो मैं अभी आपके पर्सन के बारे में बताऊंगी, तो वो उनकी एनर्जी होगी अभी इस वक्त की। राइट, चलें देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है दिल और दिमाग में उनके। बहुत डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं अभी इस वक्त, उसके कंट्रोल में है। यहाँ मुझे थोड़ी सी चीटिंग भी नज़र आ रही है, और ये चीटिंग थर्ड पार्टी के साथ रिलेटेड है। जैसे मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ, हमेशा फैमिली, फ्रेंड्स, कास्ट, कोई लव पार्टनर भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी फैमिली लग रही है। फैमिली हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, उनके बच्चे हो सकते हैं, जिनके कारण वो आपसे दूर गए। पहले वो आपके करीब आए, उनको लगा था कि वो दोनों को हैंडल कर लेंगे, बैलेंस ले आएंगे दोनों रिलेशंस में, लेकिन वो नहीं कर पाए। अचानक से उनको लगा कि नहीं, ये गलत है। जब आप उनके लिए सीरियस हो गए, तो उनको ये लगने लग पड़ा कि ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने आपका नहीं सोचा, उन्होंने दूसरी पार्टी का सोचा, थर्ड पर्सन का सोचा, और आपको छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। इस समय वो भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, चाहे आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके प्यार को ठुकरा रहे हैं, बट फिर भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं।
बहुत पेन में है आपके पर्सन इस समय, आपसे दूर है बट हैप्पी नहीं है। दिल उनका भी दुखता है, दिल उनका भी टूटा है आपके बिना, बहुत उदास है लेकिन कुछ शो नहीं करते हैं आपको। दुनियादारी निभा रहे हैं अभी इस समय, हो सकता है या तो वो मैरिड है या तो उनका रिश्ता पक्का हो गया है, ठीक है। अभी वो सोच रहे हैं कि चलो अब बात हो ही गई है, अब मैं आगे आ ही गया हूँ तो मैं पीछे नहीं जाऊँगा, लेकिन रातों को वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। काफ़ी गुस्सा आता है उनको, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे और अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। कोई भी उनसे बात करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट वो बात करते हैं, फिर एकदम से दूसरे पर्सन के ऊपर भड़क जाते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जब वो सोचते हैं रात को आपके बारे में तो एकदम से तड़प जाते हैं कि ये मैंने क्या किया, शायद मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, तभी मैं मेरी ये सिचुएशन है, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाते हैं, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है उनको। आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, आपको गले लगाकर अपनी हर गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके ड्रीम इनको बहुत आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, कई बार एकदम से वो डर जाते हैं, आपको खोने से डर रहे हैं। अभी ये आपको सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इस समय बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दोनों रिश्तों में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं, जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। बहुत सोच रहे हैं इस समय आपके बारे में, लाइफ उनकी बिखर सी गई है, जैसे आप देख रहे हो ना, उनकी लाइफ बिखर सी गई है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, सब सही हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि सब सही हो जाए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो अभी इस समय अपनी फैमिली के साथ है लेकिन उनके साथ खुश नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की कहीं शादी फिक्स हुई है तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए ऐसा शो करते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, उस पार्टनर के साथ वो खुश नहीं है, वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। बहुत सोच विचार कर रहे हैं इसके बारे में कि कैसे मैं उसको अपनी लाइफ में वापस लेके आऊँ, बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए। जब से आप उनकी लाइफ से गए हो बहुत बेचैन है। यूनिवर्स बताइए उनकी अब की इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो इस समय। स्टक हैं, घर वालों के हाथों मजबूर हैं, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ लेटर यू बना है कि वो आपके पास वापस आएंगे, बहुत जल्द वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी जो जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, टावर मोमेंट चल रहा है, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रूक आपको पाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको जो मर्ज़ी करना पड़े, चाहे आपको इसमें बहुत टाइम हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको भूल चुके होंगे या आगे बढ़ गए होंगे, नहीं,
अगर आपको 2 से 3 साल भी हो गए हैं तब भी आपके पर्सन आज भी आपको स्टॉक करते हैं, किसी फेक अकाउंट से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन होते हो क्या, पोस्ट डालते हो, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है जो आपको भी जानता है और आपके पर्सन को भी जानता है, उससे आपके बारे में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं वो कैसी है, वो क्या कर रहा है, शादी तो नहीं हो गई उसकी, जानकारी रखते हैं पूरी आपके बारे में। मे भी हो सकता है आपको कोई ब्लैंक कॉल भी आई हो, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। मे भी मेरे कुछ व्यूवर्स ने अपनी डीपी नहीं लगाई है, हटा दी है डीपी काफ़ी टाइम से, और कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसके कारण उनको बहुत बेचैनी हो रही है, क्योंकि अभी वो आप क्या सोच रहे हो, किस सिचुएशन में हो, ठीक है, किस माइंडसेट में हो, वो ये अब जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज उनकी तरफ से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं आपकी तरफ से, तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए हो। इस चीज़ को पहले जब वो आपसे दूर गए थे तो उनको लगा था कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, वो रह लेगी मेरे बिना, या वो रह लेगा मेरे बिना, मैं भी रह लूँगा, हम जी लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ये बेचैनी, ये दूरी जो बढ़ती गई, उनकी बेचैनी बढ़ती गई, बहुत बहुत उदास है आपके बिना, इस स्टक सिचुएशन से आप देख रहे हो, ये स्टक सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो बार बार एक साइकिल चल रहा था उस साइकिल को ब्रेक करके अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो आपको उनको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है कि जैसे आप उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, या अगर आपको बहुत टाइम हो गया है, अगर वो आते भी हैं तो आपको पहले एकदम से रिप्लाई भी नहीं करना है, अगर आप रिप्लाई भी करते हो, वो आपसे बात करते हैं, तो आपको पूरे ठंडे दिमाग से उनकी बात को सुनना है, उनके वर्ड्स को सुनना है, उनके एक्शंस को देखना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में काफ़ी चेंज आ गया है, ठीक है, वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, इस बारी आए हैं तो आपका साथ हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है वो सिर्फ आए हैं आपके पास खुद हील होने के लिए, तो आपको बहुत सोच समझ कर नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है, ये आप याद रखना, बहुत से लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आगे डिसीजन लेना है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, राइट। आ रहे हैं आपके पर्सन आपके पास बहुत जल्दी। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। उससे पहले वो आपको टटोलेंगे कि आपसे कैसे बात की जाए, आपको कैसे अप्रोच किया जाए। तो ये तो थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, आपके साथ मैच हुई है, तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और हर फैसला आपने, क्योंकि ये एक पूरी लाइफ का मामला है, ठीक है, ये पूरी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ इस रिलेशन पे टिकी है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इस समय जो वापस आए हैं, एक बिल्कुल नए अवतार में वापस आए हैं, चेंज होके वापस आए हैं और आपको कमिटमेंट देंगे, तो इस रिश्ते को आगे लेके जाइएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं लेकिन आपके साथ शादी नहीं कर रहे हैं, और आपको एक साइड पे रखना चाहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो आपने उसके बारे में भी बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, सब कुछ सोच समझ कर आपने डिसीजन लेना है।
तो ये तो थी आपकी और आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।